किन्नरीज किचन में आपका स्वागत है। आज हम मिडल ईस्टर्न ट्रेडिशनल डेजर्ट बनाएंगे जो पूरी दुनिया में बकलावा के नाम से जाना जाता है। ये एक स्वीट पेस्ट्री डिश है जिसे बेक करके बनाया जाता है। ट्रेडिशनली पेस्ट्री शीट्स को पिस्ता के फिलिंग से भरकर बेक किया जाता है। बकलावा की पेस्ट्री शीट्स को हम अलग अलग फिलिंग भर के भी बना सकते हैं, जैसे कि नट्स जिसमें हम बादाम और अखरोट को क्रश करके पेस्ट्री शीट्स में भर सकते हैं। आप फ्रेश फ्रूट्स का इस्तेमाल भी कर सकते हो। आज हम सेब भर के बकलावा बनाएंगे, तो आइए देखते हैं कैसे हम एप्पल बकलावा बनाते हैं। सबसे पहले हम शुगर सिरप बनाएंगे। शुगर सिरप बनाने के लिए एक कढ़ाई में हम पानी लेंगे और उसके अंदर चीनी डालेंगे। यहाँ हम गैस को मध्यम आंच पर रखेंगे। अब हम नींबू का रस डालकर मिला लेंगे। चीनी पिघलने के बाद हम चाशनी को धीमी आंच पर पकाएंगे, जिससे चाशनी बहुत ही बढ़िया बनेगी। चाशनी को 4-5 मिनट तक पकाने के बाद चाशनी में काफी अच्छा उबाल आ गया है और चाशनी पककर गाढ़ी हो गई है। चाशनी के अंदर वेनिला एसेंस डालेंगे और गैस का स्विच बंद कर लेंगे। हमारी चाशनी बनकर तैयार है। अब हम चाशनी को साइड में रख लेंगे। अब हम बकलावा के लिए एप्पल का स्टफिंग बनाएंगे। अब हम एक एप्पल यानी कि सेब लेंगे और सेब का छिलका उतारकर उसके मध्यम साइज के टुकड़े कर लेंगे। अब हम गैस का स्विच चालू करेंगे और उसके ऊपर स्टील का एक बर्तन रखेंगे और स्टील के बर्तन के अंदर एप्पल के टुकड़े डालेंगे। एप्पल के टुकड़ों के अंदर थोड़ी सी चीनी और नींबू का रस डालकर मिला लेंगे और एप्पल नरम होने तक पकाएंगे। यहाँ हमने गैस की आंच को कम रखकर एप्पल के टुकड़ों को पकाया है। एप्पल के टुकड़ों को हमने बीच बीच में चलाया है। आप देख सकते हो एप्पल के टुकड़े पककर काफी अच्छे से नरम हो गए हैं और एप्पल के टुकड़ों का कलर भी बदल गया है। अब हम गैस का स्विच बंद कर लेंगे। एप्पल को गैस पर से उतारने के बाद एप्पल के अंदर हम ओट्स डालकर मिला लेंगे। हमारा बकलावा का एप्पल का स्टफिंग बनकर तैयार है। अब हम एप्पल के स्टफिंग को साइड में रख लेंगे। अब हम बकलावा स्टफ करने के लिए बकलावा फिलो शीट्स लेंगे। बकलावा फिलो शीट्स के तैयार पैकेट भी मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। अब हम पैकेट को खोल के उसके अंदर से फिलो शीट्स निकालेंगे। फिलो शीट्स काफी पतले आते हैं, इसलिए उन्हें हम सावधानी से निकालेंगे। अब हम ओवन की बड़ी प्लेट के ऊपर फिलो शीट्स बिछाएंगे और फिलो शीट्स के ऊपर बटर का लेयर लगाएंगे। फिलो शीट्स के ऊपर बटर का लेयर लगाने के बाद उसके ऊपर दूसरा एक फिलो शीट्स लगाएंगे और उसके ऊपर बटर लगाएंगे। यहाँ हम बटर लगाने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करेंगे। दूसरी फिलो शीट्स के ऊपर बटर लगाने के बाद तीसरी फिलो शीट्स रखकर उसके ऊपर बटर लगाएंगे। फिर से चौथी फिलो शीट्स रख के उसके ऊपर बटर का लेयर लगाएंगे। चार शीट्स के लेयर के बाद अब हम एप्पल का फिलिंग भरेंगे। एप्पल का फिलिंग भरने के बाद शीट्स को हम रोल कर लेंगे। बीच बीच में हम रोल करते वक्त बटर लगाते रहेंगे। हर एक बकलावा शीट्स के बीच में बटर लगाने से बकलावा बन जाने के बाद वो काफी क्रिस्पी लगता है। आप देख सकते हो मैंने किस तरह से एप्पल बकलावा की शीट्स को रोल करके साइड में से लॉक कर लिया है। हमारा एप्पल बकलावा का एक रोल बनकर तैयार है। बकलावा के रोल के ऊपर हम बटर का लेयर लगा लेंगे। इस तरह से हम दूसरे और दो रोल बना लेंगे। अब हम
ओवन की ब्लेड को बटर से ग्रीस करेंगे और उसके ऊपर बकलावा रोल्स को रखेंगे। बकलावा सीड्स को किसी धारदार छुरी से डायगनली कट करेंगे। हमारे बकलावा रोल्स कट होके ओवन में जाने के लिए तैयार है। अब हम बकलावा रोल्स को ओवन के अंदर 180 डिग्री सेल्सियस पे 15 से 20 मिनट तक बेक कर लेंगे। ओवन में बेक होने के बाद बकलावा बहुत ही सुंदर दिख रहा है और खाने में भी स्वादिष्ट है। अब हम बकलावा को सर्विंग प्लेट में लेके उसके ऊपर शुगर सिरप डालेंगे। आप जितना मीठा खाना पसंद करते हो उतनी शुगर सिरप आप डाल सकते हो। हमारा एप्पल बकलावा खाने के लिए तैयार है। शुगर सिरप बकलावा के अंदर सूख जाने के बाद बकलावा बहुत ही स्वादिष्ट और मीठे लगते हैं। आप किसी भी त्योहार पे या दिवाली पे या बर्थडे पे ये इंटरनेशनल स्वीट डिश बना सकते हो। आशा है एप्पल बकलावा की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। ऐसी और नई रेसिपीज के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।